हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। ये देखो हमारा टकलू। और चुप क्यों रहे हो आप? तो अभी शाम के बज रहे हैं, क्या टाइम हुआ? 7 बज रहे हैं। अभी शाम के बज रहे 7। तो हम आए हुए यहाँ पे, जो हमारी पंचायत है, मतलब यहाँ पे गांव का जो नाम है वो है मंजियार। तो अक्कू के पापा ये लो एनमो के जिस काम के लिए आए थे वो काम अब होने बाला मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि अक्कू के पापा को जो है वो बालों की करवानी थी कटिंग। तो हम कटिंग करवाने के लिए आए थे और अभी अभी लाइट भी चलेगी तो मुश्किल है, अब ये वाला काम तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो मैं थोड़ी देर ना हम आपको मैंने सोचा कि गाड़ी से बाहर निकल के आपको दिखा देती हूँ। ये वाला गांव बहुत ही सुंदर है और जो है हमारा पंचायत भवन जो है यहाँ पे वो भी यहीं पे है। तो अप्पू जो है वो बस इधर उधर भाग रही है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? और ये है हमारा पंचायत भवन कार्यालय ग्राम पंचायत देवरा। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, ये अंदर से भी काफ़ी सुंदर है ये। फिर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, घूमने लेके आए पापा अक्कू को। भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको घूमने को मिल रहा है। और वो सामने पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अभी काफ़ी धुंध धुंध से क्लियर नहीं दिख रहा है, पर काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। कहाँ पे? हाँ, वो धुंधला सा दिख रहा है थोड़ा सा। मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ, एक मिनट। वो ये बिल्कुल धुंधला सा ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये हमारा जो पुराना वाला घर है यहाँ पे है। और कभी लेके चलूँगी आपको मैं वहाँ पे, वहाँ पे जो है हमारे जो बड़े वाले ताऊ जी वो रहते हैं। सुंदर गाँव है ना, और हर घर के लिए मतलब इतने अच्छे रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल सफाई के साफ सुथरा गांव है। ये देखो आप, तो सब चल पड़ते हैं ना यहाँ से। आगे भी गांव है ना, कभी और दिखाऊंगी। अब हम वापस जा रहे हैं। गाड़ी भी आती है आगे से, रुक जाओ, साइड हो जाओ। लाइट नहीं आई ये तो।
आपको आपको पता है दादू का स्कूल कहाँ पे है? ये देखो, ये जो दीवार है ना, यहाँ पे अक्कू के दादू का स्कूल था, यहाँ से पढ़े अक्कू के दादू। बड़ा स्कूल है, आती है ना। पहुंच चुके अब घर, अब रात की डिनर की हो रही तैयारी। एक्चुअली मैंने दाल और जो चावल ये पहले बना के रख दिए थे, तो अभी अक्कू के पापा की डिमांड है कि उनको खाने हैं पापड़ ये, और अक्कू साथ में बैठी है और ये तो मुझे छोड़ के जा नहीं सकती है। तो नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ मैं पापड़ पता है कैसे फ्राई करती थी, लेकिन वो खाने नॉर्मली मैं पापड़ जो है वो इसी तरह से सेक के करती थी, पर मैंने आज एक तरीका देखा हुआ है, मैं उसको ट्राई करके देखती हूँ वो वाला कैसा है, काम करेगा या नहीं। ये वाला पापड़ मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, उस पर सेक लेती हूँ। फ्राई तो क्या कर रही हूँ, मैं सेक रही हूँ इसे, फ्राई तो तेल में करते हैं हम। जिस काम के लिए गए थे ना मार्केट, वो मार्केट के शॉप वो हुआ ही नहीं हमारे, क्योंकि लाइट चली गई थी, अक्कू के पापा को कटिंग करवानी थी बालों की, तो हम घर आ गए और लाइट भी वैसे आ गई और जो काम था वो हुआ ही नहीं। तो ये मेरा पापड़ जो है वो हो चुका है एकदम रेडी। अच्छा ठीक है, पर मैंने आज एक नया तरीका देखा, उसको ट्राई करके देखती हूँ ज़रा होता है या नहीं। थोड़ा सा मैं कैमरा ना ऐसे कर लेती हूँ, जैसे ये पैन लगा दिया मैंने ना, थोड़ा गरम करना है ना, और मैंने इसमें इसको पहले यहाँ पे लगा के इसको गरम कर दिया था ना, और इस तरह से इसमें पापड़ को रख के फिर इसको जो है कपड़े से सेकना है, ज़रा देखती हूँ होता भी यही वाला फॉर्मूला काम करता है मेरा या नहीं। हाँ हो तो रहा है कुछ कुछ, अच्छा तरीका है, इससे भी अच्छे से हो जाता है, बल्कि तवे से ज़्यादा, तवे क्या ऐसे मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे हो रहे हैं इसमें, तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, खूब अच्छा हो रहा है ये वाला जो है, ये अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। अरे अक्कू को तो अपनी मम्मा का अच्छा लगता है सारे। वाह ये नया तरीका तो अच्छा लगा मुझे यार, मुझे अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इसे इस तरह से ऐसे थोड़ा गर्म है ऐसे फोल्ड भी कर सकती हूँ ऐसे डिज़ाइन में ना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे फोल्ड। ये देखिए मेरे पापड़ जो कि हो चुके हैं रेडी, और मुझे काफ़ी अच्छा तरीका लगा ये सच में। पैन पे आप पैन ले लो, कढ़ाई ले लो किसी के लिए, ऐसे गर्म करके मतलब अच्छे से गर्म कर लो, तो मतलब पापड़ जलेंगे भी नहीं और अच्छे भी, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन निकाल दो जिसको जैसे जैसे डिज़ाइन निकालना है। तो मैंने ये ऐसे राउंड कर लिए और ये वाला पापड़ ऐसा कर लिया, और ये देखो पापड़ एकदम सुंदर से लग रहे पापड़, कैसे लग रहे पापड़, सुंदर से लग रहे पापड़ है ना। तो इसी के साथ हम करते हैं अब अपना डिनर, और डिनर में मेरे बनी आज मिलता है दाल और साथ में चावल, तो वो हम एंजॉय करने वाले हैं ये पापड़ के साथ। किसके साथ एंजॉय करने वाले हैं? पापड़ के साथ। तो अपने ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा, छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद ज़रूर आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। Good night.